अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा एवं प्रबंधन ओंकार शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में तीन जगहों पर बादल फटने के कारण हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस त्रासदी में जान गंवा चुके अभी तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें 4 मंडी और 2 निर्मंड से है। उन्होंने बताया कि 47 लोग अभी भी लापता है और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि 60 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य नुकसान की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपदा में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का आकलन 655 करोड़ का है। सर्च ऑपरेशन कहां-कहां चल रहा है? देखिए, जो 31 की मिडनाइट के बाद जो हमारे 3 जगह मेजर फ्लड बस्ट हुए थे, एक मंडी जिला में, एक निर्मंड तहसील जो है कुल्लू जिले की, और जो सुमेज एरिया है रामपुर का, शिमला जिला का, इन 3 में हुए। इसमें आपको जैसे मालूम है कि काफ़ी नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है। अभी तक 6 डेड बॉडी जो है हमें इन 3 स्थानों से मिली है, जिसमें से 4 कुल्लू निर्मंड का जो क्षेत्र में हुआ थे उससे, 4 मंडी क्षेत्र से और 2 जो है निर्मंड क्षेत्र से मिली है। सुमेज एरिया की अभी एक भी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है। तो टोटल 6 डेड बॉडी हमें मिल चुकी है। 47 लोग अभी भी मिसिंग है, उनके लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 11 लोग जो फंसे हुए थे, हमारी रेस्क्यू टीम ने उनको इवैक्यूएट कर लिया सेफली। जो 60 हमारे जो घर हैं वो फुली डैमेज्ड हैं, 35 पार्शली डैमेज्ड हैं, 19 कैटल शेड ध्वस्त हो गए हैं, मोटरेबल ब्रिजेज हमारे 5 जो है उनको क्षति पहुंची है, और जो हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं 9 हैं, 10 शॉप्स हैं, 4 स्कूल हैं, 1 हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 16 व्हीकल्स जो है उसमें बह गई हैं, और 3 जो है हमारे फिश फॉर्म जो है उनको नुकसान हुआ। तो आप देखते हैं कि इन 3 स्थानों में एक ही रात में लगभग इंक्लूडिंग डेड 53 लोग हैं, और इतने सारे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया है। अब जैसे ही मिडनाइट में पहली घटना जो थी कुल्लू में हुई थी, वो लगभग 1:45 हुई थी, मैं उस समय जाग रहा था, हमने तो सारी रात जाके गुजारी है। दूसरी घटना जो थी वो निर्मंड वाले क्षेत्र में 2:38 में मिडनाइट में हुई दोनों ये घटना, और सुमेज के क्षेत्र में लगभग 4:45 के आसपास से 4:47 में ये क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है। और इमीडिएटली जो हमारी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें जो थी, कुछ रात को ही चल पड़े, कुछ धुंध और बारिश होने की वजह से मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गई। तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारी कितनी लोग जो हैं वो उस पर रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हैं। कुल्लू में जो जियोन है बागीपुल में, वहाँ पे 38 लोग जो है रिलीफ रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिसमें कि SDRF है, पुलिस है, होमगार्ड है और बाकी रेवेन्यू के लोग हैं। इसके अलावा सुमेज में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडी मिसिंग है, तो वहाँ पे 301 लोग जो है वहाँ पे इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जिसमें कि NDRF के 67 है, पुलिस के 69 है, ITBP भी लगी है, आर्मी भी है, CISF है, होमगार्ड्स है हमारे, उसके बाद सिविल डिफेंस के लोग हैं, और अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटी ये लोग कर रहे हैं। 301 यहाँ पे है। और जो टिक्कन में, जो मंडी राजवन में जो नुकसान हुआ है, वहाँ पे 70 लोग, 70 पीपल आर डिप्लॉयड, इंक्लूडिंग 33 ऑफ NDRF, 12 जो हमारे SDRF के हैं, पुलिस के हैं, अपार्ट फ्रॉम दी रेवेन्यू अथॉरिटी एंड अदर लोकल पीपल। तो ये बहुत बड़े स्तर पे जो है रिलीफ का जो रेस्क्यू का जो है और सर्च ऑपरेशन जो है इन सभी स्थानों पर चलाया हुआ है। आपको जैसे कि मीडिया से मालूम ही होगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर तो पिछले परसों से भी वहाँ पे साइट पे गए हैं। आपने देखा परसों जो है मौसम खराब होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मीटिंग लेने के बाद अनाडेल तक गए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से टेक ऑफ नहीं कर गया। तो पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाई रोड, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डिप्टी CM, रेवेन्यू मिनिस्टर और बहुत सारे विधायक, डिप्टी स्पीकर और सभी लोग जो है, ये इन तीनों जो भी स्थल हैं, खास करके बागीपुल का और सुमेज में, इन जगहों में गए, लोगों से मिले भी और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया।